हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। अगर आप भी पैरामिलिट्री फोर्स के मेंबर हैं, जैसे कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, और आपने भी अगर किसी हॉस्पिटल में अगर आपने ट्रीटमेंट कराया है आयुष्मान कार्ड के द्वारा, तो आप उसको कैसे क्लेम कर सकते हैं उस बिल को, जो कि आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे और यहाँ सर्च करेंगे PMSPMJY। एक पोर्टल है जिसे हम अपने आयुष्मान कार्ड का जो भी हॉस्पिटल द्वारा ट्रीटमेंट कराएं उससे उस इस साइट पे उसको अपलोड करके और बिल को क्लेम कर सकते हैं। तो ये पहले ऊपर वाले लिंक पे क्लिक कर देंगे, आयुष्मान सीएपीएफ रिइम्बर्समेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। फिर यहाँ नीचे दे रखा है सीएपीएफ रिइम्बर्समेंट लॉगिन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ ऊपर की तरफ दे रखा है लॉगिन टाइप। जैसे आप किस तरीके से आप इस साइट में लॉगिन करेंगे फोर्स आईडी द्वारा या आयुष्मान कार्ड द्वारा, तो हम यहाँ फोर्स आईडी द्वारा लॉगिन करेंगे। फोर्स आईडी पर क्लिक कर देंगे, नीचे यहाँ फोर्स आईडी अपना डाल देंगे। फिर यहाँ अपना फोर्स आईडी डाल देंगे, जो कि आपका फोर्स नंबर होगा। उसके बाद यहाँ आप अपना बल का नाम डाल देंगे कि आप किस बल में कार्यरत हैं, और डाल के यहाँ पर जैसे कि मैं अभी फोर्स नंबर अपना डाल देता हूँ, और यहाँ अपना जो बल है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इससे मेरा सीआरपीएफ है, मैं सीआरपीएफ सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे, फिर आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को फिर यहाँ दर्ज कर देंगे जो भी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, और फिर नीचे यहाँ कैप्चा रखा है उसको यहाँ क्लिक करके लॉगिन कर देंगे। लॉगिन जैसे कि मैंने कैप्चा फिल कर दिया है और ओटीपी भी डाल दिया है, यहाँ लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ देख सकते हैं आपका पूरा बायोडाटा ऊपर जो भी है आपके आयुष्मान कार्ड पर वो सब यहाँ पर दिखाएगा। और यहाँ नीचे आपको दे रखा है पेशेंट नेम, मतलब किस किसका जो ट्रीटमेंट हुआ है जिसका, वो अपना यहाँ पे नाम यहाँ पे अपना देख लेगा, या उसका फैमिली का होगा तो फैमिली का नाम डालेगा, खुद का होगा तो सेल्फ डालेगा। फिर यहाँ नीचे दे रखा है तीन ऑप्शन, यहाँ दे रखा है एक आउट पेशेंट डिटेल और इन पेशेंट डिटेल पार्टिकल और इन पेशेंट डिटेल फुल। यहाँ ध्यान देने वाला बात है कि अगर आपने आउट ओपीडी द्वारा जैसे कि अपने हॉस्पिटल में बिना एडमिट रहे अगर ट्रीटमेंट कराया है, तो ये वो फर्स्ट वाले पर क्लिक करेंगे आउट पेशेंट डिटेल पर। अगर आपने हॉस्पिटल में एडमिट अगर आपने हॉस्पिटल में एडमिट रह के अगर ट्रीटमेंट लिया है, अगर आपको उस बिल को क्लेम करना है, तो यहाँ थर्ड ऑप्शन जो नीचे दे रखा है इन पेशेंट डिटेल फुल, और जो सेकंड वाला ऑप्शन है बीच वाला इन पेशेंट डिटेल पार्टिकल, इसमें अगर आपने हॉस्पिटल में एडमिट रह के अगर ट्रीटमेंट लिया है और आपका कुछ ट्रीटमेंट कैश पे हुआ है और कुछ ट्रीटमेंट जो कि कैशलेस हुआ है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने ओपीडी द्वारा ट्रीटमेंट लिया है, तो मैं फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ ऑप्शन दे रखा है राइज क्लेम, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं जैसे कि मैंने ब्लर किया है, यहाँ पे आपका जो भी बैंक डिटेल है, एड्रेस है, वो सब दिखा रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे हॉस्पिटल सेलेक्ट कर लेंगे कि आपका हॉस्पिटल, फिर हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट, फिर हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल का नाम। तो यहाँ फर्स्ट में दे रखा है हॉस्पिटल स्टेट, यानी कि आपका जो हॉस्पिटल जहाँ आपने ट्रीटमेंट कराया है वो किस स्टेट में पड़ता है। तो जैसे कि मेरा सीएपीएफ में हुआ है, तो यहाँ पर सीएपीएफ सेलेक्ट कर दूँगा। अगर मेरा जैसे रायपुर में हुआ होता तो रायपुर सेलेक्ट करता, यूपी, बिहार, दिल्ली, जहाँ भी हुआ है उसको सेलेक्ट करता। फिर यहाँ पर हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर, जैसे कि मेरा सीएपीएफ है तो मैं सीएपीएफ सेलेक्ट कर दूँगा। फिर यहाँ हॉस्पिटल का नाम दे रखा है, यहाँ अगर आपका हॉस्पिटल का नाम दे रखा है तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो यहाँ अदर सबसे नीचे रखा है, अदर पर क्लिक कर देंगे। यहाँ नीचे वाले ऑप्शन में दिया है इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस, मतलब कि आपने आपका कोई जांच जैसे एक्सरे वगैरह हो वो उसको इसमें फिल करना है। जैसे टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो जैसे कि मैंने हम लोगों ने शुरू में सेलेक्ट किया था ओपीडी। फिर यहाँ नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस, जैसे आपका एक्सरे हुआ है कि ब्लड जाँच हुआ है कि अल्ट्रासाउंड हुआ है, उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ उसका कास्ट डाल देंगे, इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस कॉस्ट, और फिर यहाँ एड इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस पर क्लिक कर देंगे तो वो आपका सबमिट हो जाएगा। जैसे कि मेरा ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं था तो मैं इसको छोड़ दूंगा, अगर आपका होगा तो आप इसको फिल कर देंगे। फिर आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स, नीचे दे रखा है यहाँ ऐड फार्मेसी, जैसे कोई आपका दवाई आपने कोई लिया है तो उसको यहाँ भी उसको भी यहाँ ऐड करना है। यहाँ दिया है मेडिसिन लिस्ट, यहाँ आपको ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ आपको दवा का जो ब्रांड है उसको सर्च नहीं करना है, उसका साल्ट यहाँ पर सर्च करना है और उसको सेलेक्ट करना है। उदाहरण के तौर पर जैसे एक टैबलेट आता है 2650, तो वो उसका ब्रांड नेम है, लेकिन उसमें उस टैबलेट का जो साल्ट नेम होता है पैरासीटामोल, तो हमें उसी को यहाँ सर्च करना है, ना कि डोलो 650। और जो ये नेक्स्ट है मेडिसिन ब्रांड, इसमें आप डोलो 650 जैसे है उस कंपनी के ब्रांड का नाम, उसको जैसे ही ये वाले ब्रांड का नाम सीपीआई है तो यहाँ सीपीआई डाल देंगे। यहाँ एक टैबलेट कितने टैबलेट आपने खरीदा है उसको डाल देंगे, जैसे मैंने दो टैबलेट खरीदा तो दो डाल दिया। फिर एक टैबलेट का कितना यहाँ कॉस्ट है उसको डाल देंगे, पर कॉस्ट वो अपने आप कैलकुलेट करके वो अपना ऐड कर लेगा। सब कुछ भर देने के बाद फिर यहाँ ऐड फार्मेसी पर क्लिक कर देना है, तो आपका जो मेडिसिन ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार अगर और भी आप मेडिसिन ले रखे हैं, जैसे 2, 4, 5 जितना मेडिसिन है सबको यहाँ ऐड कर लेंगे, जैसे कि अभी मैंने बताया।
जैसे कि मैं एक नेक्स्ट मेडिसिन को यहाँ ऐड कर रहा हूँ, चलिए दूसरे मेडिसिन को भी ऐड कर लेते हैं। इसी प्रकार अगर आपके पास दो चार पाँच जितना मेडिसिन है सबको यहाँ ऐड कर लेंगे, उसका मेडिसिन का साल्ट और मेडिसिन का ब्रांड और क्वांटिटी और कॉस्ट चारों भर देंगे, फिर वहाँ फार्मेसी पे क्लिक करके ऐड कर लेंगे। जैसे मेरा इट्रा कोनाजोल है कैप्सूल, और उसका ये ब्रांड नेम है ग्लेनमार्क, और ये टेबलेट 30 टेबलेट है, और इसका जो एक टेबलेट का कॉस्ट है वो 34 रुपये है। जैसे कि आप उसका वो आता है पत्ता आता है, उसके पीछे आप देख सकते हैं कि पूरा 10 टेबलेट कितने का है, तो एक टेबलेट कैलकुलेट करके निकाल के यहाँ डाल के और ऐड फार्मेसी पे क्लिक कर लें। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों टेबलेट यहाँ ऐड हो चुका है, यहाँ कॉस्ट भी टोटल दिखा रहा है 1320 रुपये का हुआ टोटल। फिर यहाँ नेक्स्ट नीचे दे रखा है, यहाँ नीचे ऑप्शन दे रखा है अदर अलाइड चार्ज, इसके बारे में बहुत बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं होगा। जो इसमें जो अलग से दवाई के अलावा जैसे बेल्ट हो गया, सिरिंज हो गया, जो कि मेडिसिन में नहीं आता है, उसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे, और यहाँ ऐड अदर पे क्लिक कर देंगे अगर और भी आपका आइटम है तो। जैसे कि यहाँ अगर नीचे अगर कोई ब्रांड का नाम या कोई भी बेल्ट वेल्ट का नाम नहीं दे रहा है, अदर सेलेक्ट कर देंगे यहाँ क्वांटिटी, और यहाँ उसका चार्ज लिख के सबमिट कर देंगे। फिर यहाँ डेट ऑफ ओपीडी, जो आप जब अपने ओपीडी हॉस्पिटल में जाकर ओपीडी पर्ची को कटाया या ओपीडी जब आपने लिया तो उसको यहाँ डाल देंगे। डेट ऑफ ट्रीटमेंट में भी सेम वही डाल देंगे, सेम डेट। फिर यहाँ सबमिट कर देंगे तो यहाँ दे रहा है डू यू वांट टू प्रोसीड, यहाँ ओके कर देंगे। फिर अब हमारा यहाँ पे रेफरल स्लिप और जो भी अपना डॉक्यूमेंट है यहाँ अपलोड करने के लिए बोल रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं जिन जिन अपलोड वाले ऑप्शन पे स्टार लगा रखा है इसको हमें डालना कंपलसरी है, इसको डालना ही होगा, बाकी वो जिसमें स्टार नहीं है उसको नहीं भी डालेंगे तो चल जाएगा। फिर यहाँ फर्स्ट में दे रखा है रेफरल स्लिप, जो डॉक्टर जो भी CAPF का डॉक्टर है वो जो आपको रेफरल बना के स्लिप देता है उसको यहाँ अपलोड कर देंगे, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे उसको ऐसे। फिर यहाँ नीचे दिया है इनवॉइस फार्मेसी बिल, यहाँ आपका जो जो आपने दवा लिया है उसका जो बिल है उसको PDF में बना के 2 MB से कम में होना चाहिए उसको अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ नीचे दे रखा है नॉन अवेलेबिलिटी रिसिप्ट फ्रॉम इन हाउस फार्मेसी, यहाँ पे जो तो आपके ट्रीटमेंट में यूज हुआ है उसको डॉक्टर से लिखवा के उस स्लिप को यहाँ अपलोड कर देंगे, PDF बना के उसका 2 MB से कम का होना चाहिए PDF, यहाँ अपलोड कर देंगे उसको। जैसे कि मैं यहाँ अपलोड कर देता हूँ, उसमें दे रहा है फोर्थ में दे रहा है प्रिस्क्रिप्शन अटैचमेंट OPD, जो भी आपका OPD स्लिप है जिसमें आपके डॉक्टर ने वो दवा हुआ सब लिख रखा है उसको यहाँ अपलोड कर देंगे। फिर लास्ट में दे रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूव फॉर सेल, इसको हम ऐसे ही खाली छोड़ देंगे, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें स्टार नहीं लगा, फिर इसको सबमिट कर देंगे, ओके कर देंगे। यहाँ से थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ आपको दे दिया कि आपका OPD जो भी है सबमिट हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ नीचे एक नंबर भी दे रखा है, इसको आप चाहें तो बाद में देख सकते हैं कि आपका जो भी बिल है क्लेम हुआ है या पेंडिंग है, जो भी है इस साइड इसी साइड पे आप जाके देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर भी कर देंगे, और कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा।